माई सेल्फ डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर विशाईनगर जयपुर। हमारे पास एक पेशेंट है राधिका, जिनको हमने ऑपरेट किया था 2021 फरवरी में। उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस था, मतलब ये देखना चाहते हैं, ठीक है। तो राधिका, यू टेल, अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी और कैसे हुई थी, दो लाइन में बस। मुझे कुछ सालों पहले वेजिटेबल कट करते हुए एक नाइफ कट लग गया था। कहाँ पर लगा था? एक पोर्शन पे मुझे आया था कट, देन वो थोड़ा वूंड हो गया था, तो महीना पर उसको रिकवर होने में लग गया। ओवर द टाइम आई रियलाइज कि मुझे यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत कम हो गया है। इफ आई वॉज पिंचिंग दिस पार्ट, टच पार्ट काफी कम हो गया। इफ आई वॉज पिंचिंग दिस पार्ट, आई कुड फील रियली लाइक द पिंचिंग थिंग। अब ये बताओ मेरे को, जैसे ये जो प्रॉब्लम थी, इसके लिए तुम क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे? दैट टाइम वूंड के लिए तो वो बैंडेज वगैरह हो रहा था। आफ्टर दैट रिकवरी आई वेंट फॉर द ऑर्थोपेडिक सर्जरी। सो ही सजेस्टेड कि ये नर्व इंजरी हुआ है, ओवर टाइम इट विल रिकवर, ग्रेजुअली हो जाएगा। इसके लिए कभी भी तुम्हें कोई मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती थी कि दर्द के कारण? नहीं, पेन के लिए मैंने कोई मेडिसिन। किसी काम में कोई ऐसी कोई दिक्कत थी तुम्हें, कोई भी काम करने में? काम करने में इशू नहीं आ रहा था, बस कभी कभी ये पार्ट मेरा किसी चीज के साथ, हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच हो जाता था, तो मुझे बहुत ज्यादा पेन होता था। तो फिर तुमने जैसे कितने टाइम से प्रॉब्लम थी तुमको, मतलब जब डॉक्टर से तुमने हमसे मिले तब? ये मुझे 2 साल से थी। आई गॉट दिस वूंड इन 2019। तो 2 साल से तुम्हें ये था कि वो अपने आप हील हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो जब तुम हमसे मिले, तो तुम सिर्फ इसी पर्पज से मिले थे या किसी और? जस्ट फॉर द कंसल्टेशन की, मतलब 2 साल हो गए, तो इज इट समथिंग सीरियस या कुछ है? तो फिर जब हमसे मिले थे तो तुम्हें क्या समझ में आया इसके बारे में, कि क्योंकि तुमने हमसे ऑपरेशन करवाया ना इसका, तो तुम्हें क्या लगा था कि ये हमें ऑपरेशन कराना चाहिए? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट मेक्स यू टू डिसाइड यू विल गेट एन ऑपरेशन डन फॉर दिस? सो आफ्टर द एमआरआई व्हेन यू सेड कि यहाँ पे नर्व ब्रेकेज है एंड अल्टीमेट सॉल्यूशन इज आइदर यू गो फॉर अ सर्जरी और यू लेट इट बी। ओके, सो और सिंस मुझे लगा था और फैमिली के साथ कि ये ज्यादा ना हो जाए पेन या फिर कुछ भी आरडी ब्लॉक या कुछ ऐसा ना हो जाए जस्ट इन केस, सो टू बी ऑन द सेफर साइड आई विल गेट ऑपरेटेड। ठीक है, तो हमने ऑपरेशन से पहले तुम्हें बताया कि हाँ कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कितने टाइम में तुम्हारी जो प्रॉब्लम थी उसमें बेटरमेंट हुआ? आफ्टर द ऑपरेशन। आफ्टर ऑपरेशन, हाँ। या हमने कोई ज्यादा मेडिसिन दी तुम्हें, मतलब किस चीज में तुम्हें इम्प्रूवमेंट नजर आया, चाहे स्लाइट इम्प्रूवमेंट हो? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेडिसिन तो इट वाज हार्डली 2 or 3 मेडिसिन, वन वाज फॉर पेन, हार्डली फॉर 1 week। या मेडिसिन वाज मोर, यू वर मोर फोकस ऑन की मैं एक्सरसाइज कितना कर रही हूँ उसका और मूवमेंट कितना इस पे कर रही हूँ, हाउ मच आई एम वर्किंग ऑन इट। तो शुरू में जब ऑपरेशन के बाद तुम्हें काफी दर्द सा रहता होगा, शुरू में तो थोड़ा सा एकदम शार्प शूटिंग पेन जाता होगा जब तुम हिलाते होंगे, थोड़ा स्टिफ भी रहता होगा और लगता होगा अप एंड डाउन कि मैंने फालतू में ऑपरेशन करवा लिया, ऐसा दिमाग में लगता होगा शुरू के टाइम में? हाँ, स्टार्टिंग पीरियड में ऑब्वियसली जब तक स्टिचेस थे और स्टिचेस हटने के बाद मुझे जब मैंने बैंड करना स्टार्ट किया, तो एट दैट टाइम एक फीलिंग था कि लाइक व्हाई डिड आई गेट इट ऑपरेटेड, आई वाज फाइन बिफोर, क्योंकि जो पेशेंट नॉर्मल था वो एक प्रिवेंशन के हिसाब से जब वो ऑपरेशन करा रहा है, तो शुरू में जब उसको एक बॉडी में चेंजेस आएंगे तो उसको लगेगा कि मैंने पहली बेटर थी, मेरे को क्यों बैड एक्सपीरियंस झेलना पड़ रहा है, ठीक है। फिर वो जब तुम कोई हमने किसी भी काम के लिए तुम्हें रोका कि ये नहीं कर सकते हो, हैंड वॉशिंग, ये वॉशिंग, मतलब पूरा जो हमारा ट्रीटमेंट था ऑपरेशन के बाद, स्टिचेस स्टिचेस और वो भी है जो ड्रेसिंग व्रेसिंग, वो सब चीज कितने टाइम में खत्म हो गई थी? 3 weeks to 4 weeks। ठीक है, तो इन पेशेंट की तरफ हम यही बताना चाहते हैं कि इट्स अ सेल्फ डिसीजन ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर कैन ओनली एडवाइज यू व्हाट इज द प्रॉब्लम इनसाइड, एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग नो प्रॉब्लम विद दैट एंड कैन एबल टू कंटिन्यू देयर लाइफ, देन इट्स देयर इज नथिंग दैट वी कैन फोर्स द पेशेंट टू गेट इट डन। बट इसका एक स्टेप होता है, एक टाइम होता है जिस टाइम में वो चीज़ करेक्ट हो जानी चाहिए, तो वो उस टाइम में इसने, क्योंकि 2 साल हो गए थे, थोड़ा सा लेट हो गई थी, 18 months का टाइम होता है, इसलिए हमने पेशेंट को एडवाइस किया था कि हम आपका ऑपरेशन इसलिए करेंगे क्योंकि उसके बाद शायद उसको करने के बाद भी ठीक ना हो, तो ये चीज़ इनके साथ अच्छी हुई। लेकिन इनके साथ जो अगर फिंगर का मूवमेंट एक बार दिखा दो, फिंगर का मूवमेंट है ना, एक इतना सा भी पार्ट नहीं है जो कि स्टिफ हुआ, क्योंकि बिल्कुल जॉइंट के पास और बिल्कुल टिप पार्ट जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको हमने एंड टू एंड माइक्रोस्कोपिक हाई रेजोल्यूशन से रिपेयर किया था। थैंक यू सो मच।